बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल स्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के बारे में आपको बताएंगे। इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर नई प्रोडक्ट कौन सी आ रही है ये भी आपको तफसील से बताएंगे और आने वाले दिनों में इस प्रोडक्ट से कैपिटल स्मार्ट सिटी को क्या फायदा हो सकता है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मौजूद नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, कैपिटल स्मार्ट सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद से चक्री की तरफ अगर आप मोटरवे के ऊपर सफर करें तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट नजर आएगी। इस वक्त ऑन ग्राउंड कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर मशीनरी मौजूद है और डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेजी के साथ चल रहा है। इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से चक्री रोड के ऊपर जाएं जो चक्री इंटरचेंज की तरफ जाता है तो इस तरफ से भी आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरफ से भी आपको नजर आएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको एक डेडिकेटेड इंटरचेंज दिया गया है मोटरवे के ऊपर एक्सेस के लिए। इसके अपोजिट साइड पे अगर इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज को देखा जाए तो DHA फेज 9 की जो लोकेशन आ रही है वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल अपोजिट आ रही है। इसके अलावा फैसल टाउन फेज 2 भी कैपिटल स्मार्ट सिटी से कनेक्टेड सोसाइटीज में शामिल है। अगर चक्री रोड के दूसरी तरफ देखें तो ब्लूवर्ड सिटी और मेवडा सिटी जो है वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक जो सबसे बड़ी अप्रोच होगी वो रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड की अप्रोच होगी और वो इस प्रोजेक्ट को बाकी प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ बनाएगी। आप देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक साइड से मोटरवे के ऊपर अप्रोच दी गई है थ्रू इंटरचेंज और दूसरी तरफ से इसको कनेक्ट किया गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर के साथ थ्रू रिंग रोड। तो इससे कैपिटल स्मार्ट सिटी को यकीनन बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट रेजिडेंशियल भी मौजूद हैं और इसके अलावा कमर्शियल कटिंग्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने पास्ट में घर भी बनाकर ऑफर किए थे जो बुक हो चुके हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त तेजी के साथ जारी है। इसके बाद कुछ अर्सा पहले अपार्टमेंट्स जो हैं वो भी ऑफर किए गए थे जिनमें 1 बेड अपार्टमेंट तकरीबन 6.4 मिलियन रुपीज का था ऑन इंस्टॉलमेंट्स। 1 बेड अपार्टमेंट जो था वो अराउंड 1 करोड़ था और 2 बेड अपार्टमेंट जो था वो अराउंड 2 करोड़ रुपए के बजट में था। इस वक्त ये रीसेल के ऊपर भी मार्केट में मौजूद हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर जो बेहतर चीज़ अवेलेबल होगी वो आपको लेकर देंगे। इसके अलावा मैं आज आपके साथ जो खबर शेयर करनी थी इस वीडियो के तवस्सुत से वो ये थी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट एक लैमियर विलेज इंट्रोड्यूस करवा रही है। लामियर विलेज भी इसको आप कह सकते हैं। लामियर विलेज के नाम से एक कम्युनिटी अंदर अनाउंस इंट्रोड्यूस करवा रही है जिसके अंदर कमर्शियल शॉप्स होंगी, फूड कोर्ट्स होंगे और मार्केट्स बनाई जाएंगी। इस लैमियर विलेज के अंदर थीम पार्क्स और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बाकी तमाम एक्टिविटीज से रिलेटेड एरिया होगा। इसके अंदर कोई रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया इस तरह नहीं होगा कि ब्लूवर्ड के कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट इसको सेल आउट करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये तमाम का तमाम एरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की मलकियत होगा
और इसको बिल्कुल 100% जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ही तैयार करेगी, और उसके बाद ये जो एरिया होगा ये रेंट के ऊपर आउटलेट्स दी जाएंगी ताकि लोग अपना बिजनेस एक्टिविटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर शुरू कर सकें और एक स्टैंडर्ड वाली बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें जिससे कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स को फ़ायदा हो। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि किसी भी सोसाइटी को अप करने के लिए, किसी भी सोसाइटी को कामयाब करने के लिए उसके अंदर जब तक आप एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, उसके अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, उस वक्त तक वो जो सोसाइटी है वो नहीं उठती। यकीनन ये जो लैमियर विलेज है इससे कैपिटल स्मार्ट सिटी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसेस में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इस वक्त आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करना चाहते हैं या अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ होगी और जो सबसे मुनासिब रेट के ऊपर होगी वो आपको लेकर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को बरवक्त रिस्पॉन्ड करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।